नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका फिर से। हम लोग एंगल निकाल रहे हैं, कुछ प्रश्नों को हमने किया, कुछ और प्रश्न करते हैं दोस्तों। जब एंगल ही निकालने पाए हैं तो चलो प्रैक्टिस किया जाए ढंग से दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, त्रिभुज, त्रिभुज का सारा कंसेप्ट इसी एक ही क्वेश्चन में आ जाएगा क्या? आइए देख लेते हैं दोस्तों। कोई जो त्रिभुज होता है ऐसे करके, ऐसे करके, इस वाले एंगल को कहते हैं हम लोग बाह, बाह यानी बाहर का कोण, बाह कोण। ये वाला जो एंगल होता है दोस्तों, ये वाला एंगल इसके प्लस इसके बराबर होता है। अंदर वाले मतलब इसको छोड़ के बाकी दोनों, ये वाला जो एंगल होगा दोस्तों वो किसके बराबर होगा? इसको छोड़ के ये दोनों, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इस वाले को छोड़ के इन दोनों का सम। समझ रहे हैं दोस्तों? आइए इसमें मैं बताता हूँ आपको क्या कहना चाह रहा हूँ दोस्तों। ये देख रहे हैं ना, 30 डिग्री है, 90 डिग्री, ये कितना होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बताएं। जी हाँ, 180 डिग्री, 180 में से 90 गया, 90, 90 में से 30 गया, 60 डिग्री दोस्तों। ये 60 डिग्री दोस्तों, एक्स प्लस वाई प्लस जेड पूछ रहा है ये। एक तो दोस्तों सीधा तरीका हो गया, ये देखिए दोस्तों टोटल 180 होना चाहिए, सीधी रेखा जो बनाता है एंगल, ये भी 180 और ये भी 180। 180 में से 30 गया, ये 150 आ गया, 90 गया, ये 90 आ गया, 60 गया, ये 120 आ गया। इन्हों जोड़ दे दोस्तों, यही आंसर हो गया 150 और 90, 240, 260, 360, 360 डिग्री आ गया दोस्तों जोड़ने पर सारे बार को। दोस्तों यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे, मैंने बोला था जो ये वाला बार कोड बनेगा वो इस वाले को छोड़ के बाकी दोनों का सम होगा। ये देखिए 90 प्लस 3, सही है ना दोस्तों? ये वाला जो होगा इस वाले को छोड़ के बाकी दोनों का सम होगा। ये 90 डिग्री, इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़िए, आगे 90। ये वाला दोस्तों इसको छोड़ के बाकी दोनों का सम होगा, इसको छोड़ दिए, 90 और 60, 150। समझ गए दोस्तों बार कोड? समझ गए। और ये जो है इसको कहते हैं रैखिक युग्म, यानी एक रेखा जो है वो बनाता है 180 डिग्री, त्रिभुज भी बनाता है 180 डिग्री, त्रिभुज के अंदर का, त्रिभुज के अंदर के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है ना दोस्तों? यहाँ पे देखिए दोस्तों, चतुर्भुज है ना ये, 80, 120, 200 और 260। चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 360। 360 में से 260 कटाएंगे, 100 डिग्री। अब दोस्तों आप देख ही रहे हैं रैखिक युग्म है, देख ऐसा वाला 120 इधर है तो 60 ही हो जाएगा, ये 180 है उधर 80 है तो ये 100 हो जाएगा, ये 60 है तो 120 हो जाएगा। क्यों दोस्तों? ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 80, 80 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, जोड़ दें दोस्तों, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स कौन सा, ये 60, 60 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 80, 80 और 120, 200, 300, 360, 360 डिग्री आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे, सरल ही तरीका है एंगल को निकालने का। चलिए आप यहाँ पे भी एक प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। त्रिभुज तो बेहद ही आसान रहता है, 125 है ये, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? दोनों मिला के 180 होता है ना, रेखा क्या बनाती है? रेखा 180 बनाती है, 180 में से 125 घटाएंगे जब तो आ जाएगा आपका 55 डिग्री, 55 डिग्री। ये वाला कितना है? ये भी 55 डिग्री दोस्तों। यहाँ आप सीधे लिख सकते हैं, ये बाह्य कोण का योग अंतर के, अंदर के सामने वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, तो सीधे सीधे 110 डिग्री आंसर आ गया। नहीं तो आप ऐसे भी देखेंगे, अगर 110 हुआ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, 110 ये हो गया, तो ये कितना हुआ दोस्तों? 70 डिग्री। अब ये तो रेखा युग्म है, ये टोटल मिला के तो 180 होना चाहिए ना, तो फिर 180 में से 70 घटाएंगे तो भी दोस्तों 110 डिग्री ही आया है। ठीक है ना दोस्तों? आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, मैं चाहता हूँ इसको आप ट्राई करें। सरल ही है, सरल ही देख रहे हैं, 90 ऐसे जो बनाते हैं इसको 90 डिग्री कहा जाता है, एक 90 ये हो गया, एक 90 ये हो गया,
ये रैखिक युग्म से आप निकाल लें, ये वाला भी रैखिक युग्म से निकाल लें, 1 2 3 4 5 भुजाएं इसकी, टोटल 540 डिग्री होगा, और ये सारे हमें मालूम है, ये घटा देंगे तो वो जो आएगा वो प्लस एक्स बराबर 180, तो एक्स बराबर 180 में से ये एंगल घटा देंगे। समझ रहे हैं ना दोस्तों, आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। देखिए चतुर्भुजों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला ये बोल रहा समलंब, समलंब यानी समान लंबाई के, कम से कम एक भुजाओं का जो वो है पेयर, एक जोड़ा जो है वो समान होगा। ठीक है दोस्तों, पतंग, पतंग देखिए ना दोस्तों आपने, पतंग में भी भुजाएं बराबर होती हैं, सारी भुजाएं नहीं मगर दो दो भुजाएं को पेयर जो है वो बराबर होता है, ये दिखाया गया है इसमें। आप ओरिजिनल में पतंग लेके उसको मेजर करके कमेंट सेक्शन में लिखें क्या ये सही कह रहे हैं। समांतर चतुर्भुज दोनों दोस्तों जानते हैं आप, ये दोनों बराबर होते हैं इसमें, और ये दोनों बराबर होते, ये एंगल भी बराबर होते, ये वाला एंगल बराबर, सामने सामने वाले, ठीक है ना दोस्तों। अगर यहाँ विकर्ण बनाएंगे, विकर्ण बनाएंगे तो दो त्रिभुजों में डिवाइड हो गया दोस्तों। त्रिभुज का आप जानते हैं दोस्तों क्षेत्रफल, दोस्तों आप त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं ना, इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, यहाँ जब करेंगे हाइट एच आएगा, और ये मान लेते हैं बी, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बी इंटू एच, ये वाली हाइट, लंब वाली हाइट, इसको जिसको शीर्ष लंब कहते हैं, इसको कहते हैं शीर्ष लंब, शीर्ष लंब, और ये है भुजा, भुजा बेस जिस पे लंब हमने बनाया है, इस वाली भुजा पे लंब बनाया है ना, तो ये वाली भुजा गुड़े ये शीर्ष लंब, और इसका आधे का अगर निकालना हो, ये जो ट्रायंगल सा बन रहा है, तो हाफ कर दिए इसको, हाफ बी एच। ओके, ऐसे क्वेश्चन भी हम लगाएंगे दोस्तों क्वेश्चन में, ये देखिए रेलवे की पटरी लाइन जा रही है, उसमें आप देखते होंगे दोस्तों ऐसे करके पटरी लाइन जा रही है, उसमें ऐसे ऐसे करके वो डंडे बने रहते हैं, तो वो ऐसा नहीं बनाते, मगर जब रेलवे की लाइन थोड़ा टर्न लेती है तो ये जो ऐसे ऐसे रहते हैं ये थोड़े समांतर बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ये देखने का प्रयास करें रेलवे की लाइन पर, मगर सावधानी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज की ही जानकारी दे रहा है ये, कि ये भुजाएं बराबर होती हैं और ये दोनों बराबर होती हैं, और आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, वही कह रहे हैं दोस्तों। आज के इतना ही, कल करेंगे हम और भी क्वेश्चन। धन्यवाद।